नर्मदे हर दोस्तों, आज का यह ब्लॉग होने वाला बहुत शानदार, क्योंकि मैं और यह पूरी मंडी जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, हम लोग सब निकल चुके हैं माँ नर्मदा की उत्तरवाहिनी परिक्रमा में, जो कि हमारे मंडला के किले घाट से होते हुए घाघा घाघी आश्रम तक जाएगी। तो इस परिक्रमा का पूरा दर्शन मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से करा रहा हूँ। आप बने रहो मेरे साथ और माँ नर्मदा की परिक्रमा का आनंद उठाओ। नर्मदे हर। आएंगे जो लोग जागृत हैं वो नाव से तक परिवर्तन करें, बाकी सारे लोग झूलापुर होते हुए दुर्वा दुर्वा से बंजरपुर पार करके महाराज को पहुंचे। महाराज को तो शादी होता है और 11 में 30 साल में आप अपने बेल रख सकते हैं। पहले जिसको मैया चाहेंगे हो जाएगा। अभी नर्मदा यार दोस्तों, नवमी देवी नर्मदे आज से स्टार्ट हो रही है माँ उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा। तो हम भैया से पूछते हैं कि इस आज का क्या प्रोग्राम है और क्या कैसा होने वाला है आज और कल का। नर्मदे हर। मैं राकेश शुक्ला, वैष्णवी माँ नर्मदा उत्तरवाहिनी परिक्रमा आयोजन समिति का सदस्य कार्यकर्ता। आज प्रातः यहाँ श्री व्यासनाथ मंदिर में पूजन के पश्चात नर्मदा जी की आरती होगी, इसके बाद तट परिवर्तन होगा। बहुत सारी परिक्रमा वाले यहाँ से झूलापुर होते हुए पैदल बंजर पुल से महाराजपुर पहुँचेंगे। इसके पश्चात वहाँ पर चाय की व्यवस्था है और इसके पश्चात दादाधरी राम आश्रम में बालभोग स्वल्पाहार की व्यवस्था है। इसके पश्चात बालभोग के बाद वहाँ से कारिकोन होते हुए हमारी परिक्रमा आज प्रारंभ रहेगी। हाँ, और अपना कोठी घाट में भोजन दोपहर विश्राम भोजन प्रसादी होता है। कल शाम को 4:30-5 बजे तक हम वापस व्यासनाथ मंदिर पहुँचेंगे। आखिर कहाँ तक जाएंगे? यहाँ से घाघी घाट तक जाएंगे। घाघा में रात्रि विश्राम है हाईस्कूल प्रांगण में, वहाँ पर भोजन प्रसादी एवं रात्रि का कार्यक्रम होगा। आरती वही घाघा में करते हैं, इसके बाद अगले दिन सुबह यहाँ से पानी लेके जाएगा, यहाँ से माँ नर्मदा का जल लेकर के उसी का पूजन होगा और उसी को लेकर के हम एक साथ चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बने रहो हमारे साथ और देखते हैं, और हम लोग माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, माँ उत्तरवाहिनी परिक्रमा। तो बने रहो हमारे साथ। तो अभी स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं माँ नर्मदा परिक्रमा के लिए आरती यहाँ पर। कदम बोलिन मीन दीन दीप संप्रदायकम् करो मलोक वारियार सर्वदेव नायकम् सुमत कच नक्र चक्र चक्र वात शर्मदे
प्रिय पाद पंक मावे मुकुंद शून्य धर्म दे प्रिय पाद देव में भयं कदम वेक्ष तम यदा मुकुंद शून्य शून्य का सरोर से भी सर्वदा पुनर्वाद जन्म जम पवादि दुख वर्म दे प्रिय पाद पंक जम नमामि देवि धर्म दे संसार सारम मुझ गेन्द्रारम सलाम संतम दोस्तों देख सकते हैं अब हम इस नाव में बैठेंगे भाई की और चालू करेंगे अभी भाई नवदेह तो सभी लोग आ रहे हैं देख सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है मां नर्मदा की उत्तरवाणी परिक्रमा सब बैठ चुके हैं दोस्त देख सकते हैं मां नर्मदा की उत्तरवाणी परिक्रमा हाथों पहलवा दो नर्मदे हर नर्मदे हर जय हो मां नर्मदे की ऐसे मेरे मिल गए मैं बाप रे रब ना मैया हो चली रे माँ भवानी की नाव चली तो देख सकते हैं दोस्तों माताएं बहने चल चुकी हैं मां नर्मदे उत्तर वाहिनी की परिक्रमा में नर्मदे हर और आप अपने घर में महादेव जिनको समर के आप निकले हैं वहां तक आप जाए देखिए हमारी परिक्रमा उठ गई भोलेनाथ जी के दरबार जय भोलेनाथ नर्मदे हर रात क्षमा करो मोरी तबे आपे रात क्षमा करो मोरी तबे आपे रात क्षमा करो मोरी नदिया को जल राम चल जोठारे नदिया को जल राम चल जोठारे नर्मदे 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 हर नर्मदे 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 हर नर्मदे 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 हर नर्मदे 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 हर नर्मदे 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 हर नर्मदे देख सकते हैं नाव इस साइड आ चुकी है मतलब
ये दूसरा वाला घाट है, दादा कौन सा घाट कहलाता है ये? देवधरा। तो दोस्तों किले घाट से देवधरा घाट आ चुकी है हमारी माँ नर्मदा परिक्रमा उत्तर वाहिनी। अब हमें चलना है इस साइड, देख सकते हैं संगम घाट है ये, तो यहाँ जाएंगे। नर्मदे हर। दोस्तों देख सकते हैं ये है संगम घाट और हम पहुँच चुके हैं हमारी परिक्रमा संगम घाट माँ नर्मदा के तट पर। तो ये है संगम घाट यहाँ पर, और लोग आ रहे हैं धीरे धीरे और जा रहे हैं माँ नर्मदा परिक्रमा में संगम घाट से आगे की ओर। ये है माँ नर्मदा संगम घाट पे मंदिर माँ नर्मदा का, जय हो माँ नर्मदे हर। चल रही है माँ नर्मदा परिक्रमा, देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा लोग आते हुए। उत्तर वाहिनी परिक्रमा नर्मदे हर। हाँ तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम लोग संगम घाट, देख सकते हैं यहाँ पर है कच्चा वाला पुल पंजा नदी से, और अभी होते हुए नर्मदा परिक्रमा यहाँ पहुँच चुकी है अपने संगम घाट पे। तो नमामि देवी नर्मदे। दुर्गा मैया की जय। नर्मदे हर। तो दोस्तों ये है संगम घाट और यहाँ पर है बूढ़ी माई माता मंदिर। तो आपके दर्शन, आपको दर्शन कराता हूँ बूढ़ी माई माता मंदिर के, माता के। जय हो हनुमान जी। तो यह है, देख सकते हैं लिखा हुआ है माता बूढ़ी माई मंदिर। जय हो। जय हो माता। दोस्तों यह है कारिकौन तिराहा महाराजपुर मंडला पे, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग। ये लिखा हुआ परिक्रमा मार्ग यहाँ से कारिकौन के लिए जा रही रास्ता। बहुत सारे लोग अलग अलग वाहनों से पैदल जो जैसे सुविधाएँ हैं निकल गया हमारा उत्तर वाहिनी राधा परिक्रमा के लिए। राधा धनी राम यहाँ पर हो रहा है स्वल्पाहार माँ नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा का। फिर एक साथ आगे निकले की परिक्रमा। स्वल्पाहार श्री राम का आश्रम, यहाँ पर समाधि लिए थे बाबा धनी राम, यहाँ पर स्वल्पाहार। तो नमामि देवी नर्मदे, ओम नमः शिवाय। चलो हर हर महादेव, जटाशंकरी, नमो पार्वती पते हर। क्या मालूम। तो दोस्तों अब यहाँ से चालू हो रही है हमारी परिक्रमा माँ नर्मदा उत्तर वाहिनी, मतलब माँ नर्मदा उत्तर की ओर चलती है यहाँ से। ये देख सकते हैं अलग अलग लोग चल रहे हैं अलग अलग वाहनों से, प्रकार से देश विदेश से लोग आए हुए हैं माँ नर्मदा की परिक्रमा के लिए। परिक्रमा बहुत आगे बढ़ चुकी है कारिकौन महाराजपुर से आगे। प्रसाद खाते जाओ। Thank you.
देख सकते हैं ये चल रही है, मानवदा परिक्रमा आ चुकी है यहाँ पर। जय हो मानवदे। यहाँ पर गंगा जूस की व्यवस्था है परिक्रमा में। चलो आपको गंगा जूस दिखाते हैं, पिलाते तो नहीं है जय हो नवदेह। बहुत शानदार मैया की जय। हरि बाद पंकजम हरे नवदे। हमारी यात्रा पहुंच चुकी है महोत्तर वाहिनी की माना देवी में, और यहां पर है हनुमान दादा राजमान, देख सकते हैं आप। जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहां पर अलग अलग जगह स्वल्पाहार पानी का वितरण अलग अलग चीजें हो रही है। जय हो मिली हुई है प्रसादी में, देख सकते हैं भाई चप्पल तक नहीं पहने। भाई बगैर चप्पल पहने हुए जा रहा है क्या? बगैर चप्पल पहने हुए? अरे गौरव बहुत ही तपस्या। जलपान के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ भी मिल रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। रेवा रेवा संत कुटी आश्रम में रेवा रेवा। Thank you.
निर्मल निर्मल पानी माई रे वालो हमारे नर्मदा के भक्त भैया क्या दे रहे हो भैया छाछ तो यहाँ पर सिलपुरा घाट माँ नर्मदा का तट बहुत ही अच्छा यहाँ पर उद्यान है देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आराम करने के लिए भंडारा वगैरह बन रहा है माता रानी के लिए पत्थरवानी पे कमालों की वासियों के लिए भंडारा और बहुत ही शानदार उद्यान बहुत ही अच्छी जगह वाह यार एक पेड़ कितनी छांव दे सकता है और कितना मस्त लग सकता है वाह मज़ा आ गया यहाँ पर तो जिंदगी गुजर गया देखो बाकी थोड़ी सी नर्मदा जी दूर है यहाँ से देख सकते हैं यह है कोठी आश्रम कोठी घाट आश्रम तो यहाँ पर ही सुबह से निकले हुए हैं 5:30 बजे करीब पहुँच चुके हैं किले घाट में उसके बाद यहाँ पर भोजन प्रसादी का पूरी व्यवस्था है अंदर भोजन प्रसादी बन रही है और दादा लोग सभी बैठे हुए हैं भक्त लोग माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं भैया कहाँ से हो आप ऐसा मैं मंडला से ही हूँ क्या नाम है आपका मेरा नाम है विक्रांत सागर श्रीवास अच्छा तो अभी नर्मदा माँ नर्मदा की उत्तरवाहिनी परिक्रमा कर रहे हैं आप तो हर साल करते हैं ये साल पहली बार है ये भाई साहब पहले मैं आपको नर्मदे हर बोलना चाहूँगा जी और समिति के सभी सदस्यों के हाँ माँ नर्मदा का स्मरण करके उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया हाँ। हम जैसे भक्तों को जो कि कम समय पर माँ नर्मदा की परिक्रमा कराने का सौभाग्य प्राप्त हम लोग को कराया अच्छा नर्मदे हर तो जगह जगह देख सकते हैं दोस्तों प्रसादी वगैरह वितरण हो रहा है आप खाते चले और हम भी खाते हुए जा रहे हैं जय हो तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं निर्भय नर्मदा सेवा आश्रम घाघा यहां पर आ रही है हमारी जो मंडला से नर्मदा परिक्रमा यहां पर एंड होगी फिर कल यहां से ही सुबह से मंडला जाएगी तो आप चलते हैं हम लोग आश्रम माँ नर्मदा तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं घाघा घाघी आश्रम के पीछे है और यहां से हम अब माँ नर्मदा का तट पार करके उस तरफ से जाएंगे और अपनी परिक्रमा यहाँ से आगे समाप्त करेंगे मंडला वापस जाते हुए तो यहाँ तक आ चुके हैं अब नेक्स्ट आगे की ओर जा रहे हैं तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं गाड़ी बहुत ही खतरनाक जगह है अरे भाई साहब ये भाई ये गाड़ी भाई साहब ये रखी हमारी गाड़ी थोड़ी सी हमें चक्कर बहुत ज़्यादा है पहली बार देख सकते हो माँ नर्मदा का यह बहुत बड़ा पार्ट है और हम रख रहे हैं माँ नर्मदा नदी घाघा घाघी के उस पार पहली बार नहीं बचपन में बहुत नकद हमें गाड़ी गाड़ी को पहली बार लेके जा रहे हैं इसे माँ नर्मदा थोड़ा सा डर है तो हम दोस्तों निकल चुके हैं घाघा घाघी की उस तरफ माँ नर्मदा को बोट में बैठ कर और उस साइड से हम जाएंगे सीधे मंडला की ओर स्थान तो ये है हमारी बाइक और ये देखो माँ नर्मदा में हम चल रहे हैं बहुत ही साफ स्वच्छ पानी पकड़ यहीं से वहीं से तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दूसरे एंड पे अब वापस चल रहे हैं मंडला की ओर यहाँ पर ये
हनुमान जी का मंदिर है, जय श्री राम, हनुमान जी नमः, और जो है माँ नर्मदा का मंदिर। जय हो माँ नर्मदे, तदी पाद पंकज नमः नर्मदे। पहले होता है इतना ही, इतना ही होती है, इतना ही करेंगे तो पूरी परिक्रमा कहलाता है। मतलब जो इतना कर लिए तो काफी है नर्मदा जी की, पूरी परिक्रमा से पूर्ण लेना है तो नवरात्रि से पहले। अच्छा, मतलब अपनी अपने जो मंडला से यहाँ तक उत्तर है बहती है, फिर यहाँ से क्या पश्चिम पहुँच जाती है। अच्छा, दो दिन नहीं, मतलब नहीं तो कुछ तो बहती होगी ना उत्तर, इसलिए उत्तर वाहनी बोलते होंगे। ऐसे ऐसे उत्तर से है ना, पश्चिम कह सकते हैं यहाँ तक माँ नर्मदा उत्तर बहती है, उसके बाद वो आगे से बना हुआ है वहाँ से ऐसे मुड़ जाती है। तो यहाँ की यात्रा बहुत ही शानदार रही, अब हम चलते हैं मंडला की ओर। धन्यवाद।